हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम आप कैसे घर बैठे ढूंढ सकते हैं और कैसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में आपको पूरा बताने जा रहा हूं। आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप अपना अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से आप जॉब को सर्च करेंगे और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, और इससे क्या है घर बैठे आपको डाटा एंट्री काम आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि घर बैठे बहुत सारे लोग जो है डाटा एंट्री का काम लेते हैं, उनसे पेमेंट आ रही है और इसमें आपका टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है। आप कोई भी टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना काम कर सकते हैं। दिन भर में 3-4 घंटे भी काम करेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आप देखिए, इस समय मैं freelancer.com पे हूँ। freelancer.com एक बहुत मशहूर वेबसाइट है जो कि हर तरह के जॉब्स प्रोवाइड करती है। अगर आप टेक्निकल नहीं है या आपके पास कोई और स्किल नहीं है तो सिंपल काम है, आप डाटा एंट्री काम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप इस वेबसाइट पे जाइए और आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। आपके पास अगर फेसबुक का अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के थ्रू जो है यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने फेसबुक का यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे साइन अप, इसमें आपको ऑप्शन आता है साइन अप विद फेसबुक। साइन अप विद फेसबुक एक बहुत सिंपल ऑप्शन है। हर आदमी के पास आज की डेट में जो है फेसबुक अकाउंट होता है। तो ये वेबसाइट क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फेसबुक से ले लेती है। तो आपको अपना ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है और आपको डायरेक्टली जो है आप विदाउट डूइंग एनीथिंग आपने सिंपल जो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं। आपका अकाउंट जो अकाउंट क्रिएशन और बाकी सब प्रोसेस है बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिससे कि यूज़र जो है डायरेक्टली अपने काम पे फोकस कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप अपने आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने फेसबुक पे लॉगिन हो जाइए। अब जैसे ही आप अपने फेसबुक पे लॉगिन होते हैं उसके बाद से आपने साइन अप पे क्लिक करना है और लॉगिन साइन अप विद फेसबुक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी, आपकी फेसबुक के सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, हर चीज़ जो है ये वेबसाइट अपने आप ले लेगी वहाँ से। एक बार करने के बाद से आपने क्या करना है, लॉग इन विथ फेसबुक। ये मैंने लॉग इन विथ फेसबुक किया, मेरा फेसबुक का अकाउंट इससे कनेक्टेड है और मैं सीधे सीधे जो इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिर्फ डाटा एंट्री का काम सर्च करना है। इसमें ये देखिए, ये वाला कॉलम वर्क, वर्क मतलब जो आपने काम करना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है प्रोजेक्ट विथ माय स्किल्स। क्योंकि मुझे सिर्फ डाटा एंट्री का काम करना है तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे सर्च करने के लिए। बहुत सारे इसमें कैटेगरीज ऑलरेडी दी हुई हैं, ये सब आप डिलीट कर सकते हैं या यहाँ पर आप सीधे ब्राउज प्रोजेक्ट कीजिए। ये ब्राउज प्रोजेक्ट्स आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल लिखना है डाटा एंट्री, ये सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे वो सारे के सारे डाटा एंट्री के होंगे, जिसमें आपने कुछ नहीं करना। अगर आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी है, आपको एक्सेल की नॉलेज है तो आपने सिर्फ इन प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है और आपको जॉब्स आने शुरू हो जाते हैं। हर जॉब का एक देखिए यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया गया है, कब से शुरू हुआ है और कितने लोग ऑलरेडी इस पे अप्लाई कर चुके हैं। जैसे कोई जॉब पोस्ट होती है कोशिश कीजिए कि उसी समय आप इस पर अप्लाई कर सकें। आपने क्या करना है, इस जॉब को ओपन कीजिए क्योंकि डाटा एंट्री सब सेम जॉब्स होती हैं तो उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये देखिए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद से क्या करना है, जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं उसमें आपने अपना ये वाला स्किल डेटा एंट्री का, वर्चुअल असिस्टेंट का, रिसर्च का, ये सब के सब डेटा एंट्री से रिलेटेड है, ये आपने डाल देना है। बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आपने डेटा एंट्री सर्च मारा, सर्च मारने के बाद से जो है ये आपको प्रोजेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्ट्स के बाद से ये प्रोजेक्ट्स के पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि किन किन लोगों ने इस पे अभी तक ऑलरेडी 8 लोगों ने अप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। इस पे अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने इसमें अपना जो स्किल लेवल है वो मैंने सेव नहीं किया था, इसीलिए मेरे को अपडेट स्किल्स करने के लिए कह रहा है। अब मेरा स्किल अपडेट हो गया, अब मैं
इस पे अपना बिड प्लेस कर सकता हूँ। अब मैं लिखता हूँ प्लेस बिड, प्लेस बिड मतलब मैं इसके इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब आपका जो मेन फोकस है इस समय वो ये है कि आप अपने बिड को इतना अच्छा बनाएं जिससे कि आपको ये क्लाइंट जो भी जिसने जॉब पोस्ट की वो आपको अवॉर्ड कर दे। उसके लिए सिंपल आपको पूरा बताना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, आपको लिखना है कि आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट, जो आपने एडवर्टीजमेंट भेजी है, डाटा एंट्री, एक्सेल, वर्ड, रिसर्च, मार्केटिंग। आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए। एंड आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब। मैं क्यों राइट पर्सन हूँ? क्योंकि मुझे 3 साल का डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस है। आप 4 साल, 5 साल कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा फ्रेशर को काम नहीं देता। और डाटा एंट्री के में कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं होता इसमें कि आपको कुछ ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। आप सिंपल अब इसमें अपना सारा कुछ मेंशन कर दें और आपको ये बताना है कि आई कैन कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि क्लाइंट को लगे कि आप काम कर सकते हैं। आई कैन कंप्लीट दिस जॉब विद इन रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, क्योंकि वो टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आपको करना है। उसके बाद से आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताना पड़ेगा जिससे कि, क्योंकि अभी आप उस बंदे को जानते नहीं जिसका काम करने वाले हो। ये जो कवर लेटर है, ये जो लेटर है, यही सबसे पहले चीज़ है जिसके थ्रू जो है वो आपको जानेगा। आप कहोगे आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सीरियस, आई एम ऑनेस्ट, मैं काम सारा का सारा प्रॉपरली करता हूँ मैं, तो उसके बाद से जब ये जब यहाँ पे आप बिड प्लेस करते हो, अपना एक आवरली रेट देते हो कि मेरे को 400-500 जितने भी रुपये पर आवर चाहिए, उसके बाद से आप बिड प्लेस करते हो। जैसी बिड प्लेस होती है वैसे ही आपका काम जो है वहाँ से उसके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और आपका काम शुरू हो जाता है। तो सिंपल काम करना, आपने जो है ब्राउज प्रोजेक्ट्स करना है इसमें अपना अकाउंट बनाने के बाद से, और यहाँ पे जाके आपने सिर्फ डेटा एंट्री के जॉब्स को सर्च मारना है। यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, डेटा एंट्री का जो भी जॉब है उस पर आपने जो है करना है। इसमें डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं। अगर आप सीरियस हो अपना डेटा एंट्री का करियर शुरू करने में, तो आप जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ो। सब में डेटा एंट्री करनी होती है तो ऐसा कुछ आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि टाइमली उसको देना, उसको टाइमली मैसेज करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है आप इसको अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊँगा किस तरह से आपने अपना पहला जॉब असाइन करने के बाद से किस तरह से काम करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। थैंक यू।